वालेकुम बस बेटा हम दो मिनट तक स्टार्ट करते हैं आप लोग रजिस्टर बाल पॉइंट अपने हाथ में कर लें टोटल फिफ्टी मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट होगा मैं आप लोगों का ये भी पहले टेस्ट लूँगा उसके बाद फिर हम मैथ करेंगे तो रजिस्टर बाल पॉइंट तमाम बच्चे अपने पास रखें और तरीका कर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है मैकेनिकल सिविल दोनों अच्छी हैं टेक्स लगे मैकेनिकल ज़्यादा अच्छी है जी शाह बेटा होगी मगर ड्यूरेशन कम होगा आप बेटा जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो अपने हाथ में रजिस्टर बॉल पॉइंट कर ले और ताकि फिर हम बस एक मिनट तक स्टार्ट करें आप लोगों को मैं जितना टाइम देता जाऊंगा उसी ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने एम सॉल्व करना है और अपना साथ साथ जब मैं आपको सोलूशन दिखाऊंगा तो आपने टेक क्रॉस कर लेना है तो इसी तरह आप पेज पे एक साइड पे वन टू थ्री फोर एम की नंबरिंग करते जाएंगे और टिक क्रॉस आगे करते जाएंगे अगर एम ठीक होगा टिक कर देंगे गलत होगा क्रॉस कर देंगे तो बस मैं एक मिनट तक टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ जल्दी से आप लोग अपने रजिस्टर बॉल पॉइंट अपने हाथ में कर लें फिजिक्स फर्स्ट हाफ जो हमने कम्पलीट किया था चैप्टर नंबर वन से फाइव तक आज आप लोगों को उसका टेस्ट है तमाम तो बच्चे रजिस्टर बॉल पॉइंट अपने हाथ में कर लें और फुल आप लोगों ने टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है अगर कोई एम नहीं भी आता होगा तो वो फिर मैं सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा तमाम बच्चे रजिस्टर बॉल पॉइंट अपने पास रखें। आप लोगों ने साथ साथ अपने टिक क्रॉस करते जाना एमसीक्यूज का नंबर डाल के और एंड पे फिर आप लोगों ने मुझे अपने मार्क्स बताने हैं जी जी मानूर बेटा जल्द हो जाएगा बेफिक्रे अच्छा बेटा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ ये पहला एमसीक्यूज आप लोगों के सामने है है ठीक आप लोगों ने अब इनको आ, को करके अपनी साथ साथ नंबरिंग करते जाना है ठीक है मैं आप लोगों को जितना टाइम दूंगा उसी ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने इसको करना है तो अभी तक इसका अब टाइम अप हो गया पहले एमसीक्यूज का लाइट ईयर बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो ये मेजरमेंट होती है डिस्टेंस की ठीक हो गया तो जिन बच्चों ने इसका सी आंसर लगाया था वो टिक कर दें और जिन्होंने इसका सी नहीं लगाया था वो क्रॉस कर दें वन लिख के वन रजिस्टर किए एक साइड पे वन लिखें और टिक कर दें जिनका ठीक था जिनका नहीं ठीक था वो क्रॉस कर दें जितना टाइम मैं दूं उसी टाइम के अंदर आप लोगों ने करना है ठीक है अब इसको करें बेटा शाबाश मेरे सोल्यूशन दिखाने तक का आप लोगों के पास टाइम होता है उसी ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने करना होता है साथ साथ आपने नंबरिंग करते जाना एंड पे मुझे अपने मार्क्स बताने हैं अब बेटा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल लीस्ट मल्टीपल होता है सबसे कम मल्टीपल तो जितनी टेन की पावर माइनस में ज्यादा होती है उतना वो लीस्ट मल्टीपल होता है उतना उसका आंसर छोटा होता है क्योंकि हम इसको वन के नीचे डिवाइड करेंगे तो टेन की पावर एटीन आंसर और छोटा आएगा तो यूं हमारे पास एटो तो अगर हम देखें तो वो सबसे लीस्ट मल्टीपल है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बड़ी टेन की पावर माइनस में होती है तो जिन बच्चों ने इसका डेल्टा लगाया वो टिक कर दें जिन्होंने ये नहीं लगाया वो टू के आगे क्रॉस कर दें इसको करें बेटा आप शाबाश शाबाश अच्छा अब इसमें मैंने आप लोगों को तरीका बताया था अब इसका टाइम अप हो गया अभी तक इसका आंसर आप लोगों को निकाल लेना चाहिए अच्छा इसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जब भी आप लोगों को रीडिंग्स ऐड करनी हो जैसे कि ये मैंने ऐड करके आंसर निकाल लिया तो हम आंसर को राउंड ऑफ करते हैं लीस्ट डेसिमल तक इसमें देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसमें दो इसमें तीन तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए जितने कम डेसिमल के बाद डिजिट होंगे ना एडिशन या के अंदर तो उतने ही आंसर को वहां तक राउंड ऑफ करना होता है है तो तो इसमें कम मेजरमेंट में के बाद एक डिजिट तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर में डेसीमल के बाद एक होना चाहिए तो ये टू थ्री हम इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट फाइव से लेस है तो इसलिए हमारे पास रिटेन डिजिट में का इजाफा नहीं होगा अच्छा अब इसको बेटा करें फोर वाले को शाबाश शाबाश बेशक मुझे आंसर नहीं भेजें आप बेशक ठीक हो गया आप बस अपने सॉल्व करके अपने रजिस्टर के ऊपर आपने मार्किंग करनी है एंड पे मुझे सही वाले आपने अपने नंबर बताने हैं ताकि मुझे आइडिया हो गुड बस इसका टाइम आप होने वाला है शहर ये मैं अब एंड पे करूँगा अभी आप साथ चलते जाए अच्छा आप बेटा आप इसका देखें रिजल्टेंट ऑफ ऑफ टू परपेंडिकुलर इक्वल मैगनीच्यूड दो वैक्टर का मैग्नीच्यूड इक्वल है लेट करें ए तो उनका रिजल्टेंट निकालना हो ये मैंने आपको रिजल्टेंट का फार्मूला बताया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा हाँ वो रुहान बेटा एंड पे देख लेते हैं तो अब यहाँ से आप देखें चौके परपेंडिकुलर थे तो थीटा की जगह नाइनटी पुट करें ये थर्ड वाली टर्म एंड हो जाएगी ठीक हो गया टू ए बी कॉज वाली खत्म हो जाएगी ए स्केयर ए स्केर में एड हो गया टू इंटू ए स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा ए स्केयर और ए रूट में ही रहेगा तो यूं बेटा अगर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन है मैंने सिर्फ ये स्टेप बाई स्टेप किया है आप लोगों को समझाने के लिए आप लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं अच्छा ये आप जिन बच्चों का ठीक है वो टिक कर लें जिनका ये ठीक नहीं है वो क्रॉस कर दें अपनी मार्किंग बड़ी केयरफुल करें रजिस्टर के ऊपर एंड पे आप लोगों ने मुझे अपने मार्क्स बताने हैं जितना मैं टाइम देता हूँ उसी टाइम के अंदर आपने करना है हाँ, तो ए और बी की जगह ए लिख दिया वेरी गुड़ा बेटा हमें पता है कि इसके अंदर जो वेक्टर है वो टेंशन होता है टेंशन भी बेसिकली फोर्स ही है तो वो वैक्टर है जिन बच्चों का ठीक है वो टिक करें जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें फाइव के आगे उसके बाद यह सिक्स वाला करें अब उमेर बेटा वीडियो अपनी ऑफ कर दें वीडियो किसी बच्चे की भी ऑन ना हो अच्छा बेटा अब शाबाश शाबाश हाँ इसमें मैंने अब आप लोगों को बताया था कि दो ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीच्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है तो ये टू न्यूटन टू न्यूटन का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट इक्वल हो और इनका रिजल्टेंट जीरो होगा ठीक हो गया इसको करें बेटा शाबाश अच्छा तमाम बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों का आईडी जो है ना वो आपके नेम के ऊपर होना चाहिए नंबर के ऊपर किसी का भी नहीं होना चाहिए तमाम बच्चों ने अपना नेम लिख के तो उसके थ्रू आप लोगों ने ज्वाइन करनी होती है जूम मीटिंग हाँ जी इसको करें शाबाश अच्छा अब इसका मैंने आप लोगों को बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट पॉइंट अलॉन्ग जी एक्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक्सिस पे है तो डेफिनेटली ये ए और बी वेक्टर जो है ये एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए ये चीज मैंने आपको बार बार बताई थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो अपने दोनों वेक्टर्स की प्लेन के प्रपेंडिकुलर होती है जिन बच्चों का ठीक है वो टिक करें जिनका गलत है वो क्रॉस करें अच्छा आप एट वाला करें शाबाश जी जी शाबाश शाबाश जितना मैं टाइम देता हूँ उसी टाइम के अंदर करना है हाँ विशारद बेटे ये एंड पे करता हूँ अभी एक दफ़ा ना चलने दें सीक्वेंस से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये काफ़ी दफ़ा नष्ट के अंदर आता रहा है अच्छा आप बेटा इस चीज़ को समझें द मैग्नीच्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स मे भी इंक्रीज एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो वो दो वैक्टर्स की रिजल्टेंट पूछ रे फरज करें ये वो दो फोर्सिस हैं या दो वैक्टर्स है ये उनके दरमियान थीटा एंगल है तो अब बेटा अगर मैं हाँ अगर अब मैं इनके दरियान एंगल डिक्रीज करूँ अगर ये मैं अब थीटा जो है ये डिक्रीज करने लग जाऊँ ठीक है तो आप देखें ये दोनों वैक्टर्स पैरल हो जाएंगे ये अगर इस वैक्टर को मैं डाउनवर्ड लेकर आऊँ ना तो ये पहले वैक्टर के पैराल हो जाएगा तो जब दो वैक्टर्स आपस में पैरालल हो जाए तो अब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और वो हम कैसे निकालते हैं सिंपल दोनों को ऐड कर देते हैं अब ये ऊपर वाला वैक्टर नीचे वाले के पैराल कब होगा जब मैं एंगल डिक्रीज करूंगा तो यूं इसका मतलब है कि अगर दो वैक्टर्स के दरमियान एंगल डिक्रीज किया जाए तो वो पैरल हो जाएंगे और उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा अब जिनका ठीक है वो टिक कर दें जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें जी बेटा अब ये नाइन वाला करें शाबाश शाबाश जी जी

तो अगर मैं वाई कंपोनेंट की जगह अगर फर्ज करें एक्स कंपोनेंट एक्स है तो वाई वाले कंपोनेंट इसका थ्री रूट टाइम्स होगा इस कंपोनेंट का ये उसने कंडीशन में बताया हुआ है कि कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज रूट टाइम इट्स तो अब ये X -X से कट जाएगा टेन तो इन वर्ष हमारे पास थ्री रूट होगा और थ्री रूट किस एंगल में हमारे पास होता है बेटा ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए टेबल के थ्रू जो एक टेबल होता है उसको लाजमी याद करें सिक्सटी डिग्री जिन बच्चों का ये ठीक है वो टिक करें जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें इसको करें बेटा जी इंफॉर्मेशन बे बेस एम सी क्यूज है वेरी गुड स्लोप की जगह वो ग्रेडियंट का वर्ड भी यूज कर सकता gradient है ग्रेडियंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताती है बिल्कुल एक्सलेशन के बारे में ठीक है जिनका ठीक है वो टिक कर दें जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें जी बेटा आप इसका करें शाबाश शाहबाश साथ बेटा नंबर एम सी क्यूज का लेकर टिक क्रॉस जरूर करें एंड पे फिर आप लोगों ने अपनी मार्किंग करके मुझे नंबर बताने हैं बेटा देखो आप लोगों को रॉकेट के एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ये एम कैपिटल एम रॉकेट का मैथ है अब रॉकेट का 80 परसेंट फ्यूल पे मुश्तमिल जैसे जैसे अपवर्ड मूव करता है फ्यूल कंज्यूम होता है मैथ कम होता है एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो यूं हमारे पास इसको करें हाँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑन डिस्टेंस के इक्वल होता है स्लोप उनकी एक्सेलरेशन अब बेटा इस एमसीक्यूज में हाँ जी अब हो जाना चाहिए अभी तक आप लोगों का अब इसमें बेसिकली वो आप लोगों को कह रहा है कि आ, आप ले वेलोसिटी एक्सिस पे है डिस्टेंस हम टाइम एक्सिस पे लेते हैं तो इस तरह का एक ग्राफ है आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये वाली तो डेफिनेटली अब आप इस ग्राफ को देखें तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही कांस्टेंट है जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी तो तब चेंज हो नहीं थी ना अगर ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है तो यूं हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन है इसको करें बेटा हाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा वैस लास्ट वाले में क्योंकि मैथ डिक्रीज हो रहा है ना उसने एक्सेलरेशन पूछा था इसको बेटा करें शाबाश अ क्रिकेट बॉल इज हिट दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर शाबाश शाबाश जल्दी से कैलकुलेशन किया करें जल्दी से जी टेन पुट करके राउंड ऑफ कर दिया करें आंसर एक बॉल ऊपर स्ट्रेट अप एयर में फेंका गया तीन सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहा है अब बेटा देखें बड़ा आसान क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन यूज करें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ए टी आपको सारा गिवन है फाइनल वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो होनी थी अपवर्ड जा रहा है तो ए की जगह बेशक आप टेन पुट कर लें जी अपवर्ड जा रहा है तो माइनस आएगा मैंने माइनस नाइन पॉइंट एट पुट किया और ये थ्री से मल्टीप्लाई हो गया ऑलमोस्ट थर्टी बनेगा माइनस थर्टी ये लेफ्ट साइड पे जाके प्लस थर्टी हो जाएगा ठीक हो गया तो अब थर्ट के राउंड अबाउट आप अब देख लें ये सी वाला ऑप्शन ही है तो यूं इसका सी ठीक है जिन बच्चों का ठीक है वो टिक करें जिनका गलत है वो क्रॉस कर दें अब आ जाए फोर्टीन के ऊपर शाहबाद शाहबाद जल्दी से बेटा क्विकली से करें मैं अभी आप लोगों को टाइम ज्यादा दे रहा हूं अपनी स्पीड बढ़ाए फॉरन से देखा करें क्या पूछ रहा है अल्टरनेट यूनिट ऑफ के जी मीटर पर सेकंड ये के जी मैथ होता है मीटर पर सेकंडसिटी होती है तो ये बेसिकली मोमेंटम का यूनिट है और मोमेंटम हमें पता है कि इम्पल्स की इक्वल भी होती है इम्पल्स होती है फोर्स इन टू टाइम तो न्यूटन सेकंड बिल्कुल ठीक है ये इसका बीटा इसको करें शाबाश अब इसमें बेटा देखें हाईएस्ट पॉइंट पे वो पूछ रहा है आपसे बेसिकली अब अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वो प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट सेम रहता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी चीज जीरो होगी फिर सर ओनली वी वाई ठीक हो गया जिन बच्चों ने सी लगाया वो टिक कर लें जिन्होंने सी नहीं लगाया था वो क्रॉस कर दें फिफ्टीन के आगे इसको करें बेटा पहले वो जा रही थी ईस्ट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी कर फिर वो जाती है सेम वेलोसिटी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी ईस्ट फिर नॉर्थ शाबाश शाबाश अच्छा बेटा अब हम अगर मैं इसका एमसी क्यूज का दिखाऊँ तो वेलोसिटी अब जाहिर है ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इनके दरियान एंगल 90 डिग्री का है तो इस कॉज 90 तो जीरो हो जाएगा तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीच्यूड का स्केर प्लस सेकंड वैक्टर के मैग्नीचूड का स्केयर तो दोनों वेलोसिटी तो वी है पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था फिर उसने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टू रूट इंटू वी आ जाएगा वी स्केयर तो रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ से अब आप बेटा हो गया क्लियर आप लोगों को अच्छा इसका आप बेटा यहाँ से हमारे पास सेवनटीन वाला करें वेक्टर के अंदर चेंज उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से भी आ सकता है डायरेक्शन की वजह से भी ये मैंने लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिटेल में चीज बताई थी ठीक हो गया इसको बेटा करें जल्दी शाबाश शाबाश स्पीड बनाए अब देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर जीरो है तो क्या चीज इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा अभी आप लोगों ने अपनी एक बुक की लाइन है आप लोगों की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है तो अब अगर ये रेट ऑफ ऑफ चेंज मोमेंटम इज जीरो मतलब फोर्स जीरो होगी अब फोर्स जीरो तो इधर नहीं गिवन मगर एक्सेलरेशन जीरो का ऑप्शन गिवन है क्योंकि हमें पता है एफ इक्वल टू एम ए होता है मैथ तो बॉडी का जीरो नहीं हो सकता अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो यू सी ऑप्शन है बेटा जिन्होंने सी लगाया वो टिक कर ले इसको करें बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट फोर्टी फाइव डिग्री विद हॉरिजोंटलो ऑफ रेंज एंड मैक्म हाइट शाबाश शाबाश बहुत आसान प्रोजेक्टेड किया गया था फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे रेंज और हाइट का रिलेशन वो आपसे पूछ रहा है अब बेटा देखें 45 डिग्री पे जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज और हाइट में ये रिलेशन मैंने आपको बताया था लेक्चर में आर इक्वल टू फोर एच तो यहाँ से अब आप देख ले रेंज हाइट का फोर टाइम है ये ध्यान से देखा करें वो रेशियो किस किस की पूछ रहा है रेंज की हाइट के साथ तो रेंज हाइट का फोर टाइम है तो फोर वन डेल्टा ऑप्शन आगे ये नाइनटीन वाला साथ साथ बेटा अपनी नंबरिंग करते जाए जिन्होंने फोर रेशियो वन लिखा था वो ठीक था जिन्होंने वन रेशियो फोर किया वो गलत है क्योंकि आपने स्टेटमेंट ध्यान से देखनी होती है वो किसकी रेशियो पूछ रहा है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द क्वान्टिटीज रिमेन अनचेंज जी कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी बड़ी डिटेल में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है ठीक हो गया 20 वाला करें बेटा साथ-साथ अपनी मार्किंग करते जाएं नंबर लिखे टेक क्रॉस जी बेटा शाबाश इसको देखें ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ें फिर देखें स्टेटमेंट के अंदर ही हिंट होते हैं हाँ जी क्योंकि उसने कहा था ना टू बॉडीज ए एंड ईच ऑफ जी दोनों का मैथ सेम है तो जब दो सेम मैथ की बॉडीज आपस में कोलाइड करती है इलास्टिकली तो आप लोगों को मैंने केसेस के अंदर बताया था कि वो सिंपल अपनी इंटरचेंज करते हैं अगर उनका मैथ सेम होगा तो यू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन गुड इसको करें बेटा नहीं नहीं मैथ तो नहीं ना इंटरचेंज होगा सिर्फ वेलोसिटीज उनकी इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी देन स्पीड ऑफ द बॉडी मोमेंटम अगर काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाए तो स्पीड क्या होगी जी अब इतने टाइम में मेरे ख्याल में ये हो जाना चाहिए अब मैं आपको इसका सोलूशन बताता हूँ देखिये मोमेंटम और कनेटिक एनर्जी को इक्वल रखें इनके फार्मूला इक्वेट करें मोमेंटम एम वी होता है कैनेटिकनर्जी हाफ एम वी एम एम से कट जाएगा वी वी से कट जाएगा तो ये राइट ये राइट साइड वाला टू उधर वन से मल्टीप्लाई होगा तो वी इक्वल टू तो टू मीटर पर सेकंड सिंपल कैलकुलशन है मोमेंटम को एनर्जी को इक्वल रख के वी निकाल लें ये एम वी इस एम और वी से कट जाएगा इधर वी बाई टू बचेगा लेफ्ट साइड पे वन रह जाएगा तो ये टू उधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा तो यूं हमारे पास टू मीटर पर सेकेंड बेटा इसको करें अ पार्टिकल कवर फिफ्टी मीटर डिस्टेंस वेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड शाबाश शाबाश। फौरन से जज किया करें कि ये क्या चीज देख चीज के बारे में पूछ रहा है फिर उन दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन देखा करें जी जी बेटा बिल्कुल शावाज शावाज। हो गया ठीक है गुड अब बेटा इसमें आप देखें आप लोगों का बेसिकली रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए वी आई इसके साइन टू थी इसमें तो बेसिकली उसने ये पार्टिकल का डिस्टेंस रेंज बताई हुई है इनिशियल स्पीड वी आई लेके फिर वो कहता है कि अगर हम उसका डिस्टेंस बताएं अगर उसकी रेंज डबल कर दी जाए वेल प्रोजेक्टेड विद डबल द इनिशियल वेलोसिटी तो जब ये वी आई डबल करेंगे तो वी डबल का स्केयर फोर तो रेंज फोर टाइम बढ़ेगी पहली रेंज कितनी थी फिफ्टी मीटर जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी डबल करेंगे तो रेंज फोर टाइम हो जाएगी देखे ना रेंज और विल... इनिशियल वेलोसिटी का ये रिलेशन है तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले फिफ्टी मीटर थी उसका फोर टाइम करेंगे तो टू मीटर इसको करें बेटा ये इन्फॉर्मेशन बेस है जी जो वे ये सी के अंदर समंदर के अंदर टाइड्स पैदा होती है यानी ये बेसिकली मून करता है और ये दिन में कितनी दफा पैदा करता है Twice, बिल्कुल दो बार गुड तो यू इसका ऑप्शन हमारे पास मून था ठीक हो गया इसका बताएं बेटा शाबाश पोटेंशियल एनर्जी में से ये है मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बताई थी ना फॉर्म्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसका बेटा शाबाश बताए लास्ट वाले में सिर्फ यही था कि टाइड्स कौन पैदा करता है मून, टू टाइम्स शावाश बेटा इसका करें। गुड अच्छा अब इसमें देखें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए हाफ के एक्स के यहां है पहले वन सेंटीमीटर था स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और जब इसको टू सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे यानी वन का डबल

अब बेटा देखें आपको कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन अगर तो आता है ना तो फोर के टाइम के तो तो हो जाएगी डबल का स्केयर फोर टाइम इसको करें बेटा टू मैसेज वन ग्राम एंड नाइन ग्राम आर मूविंग विद इक्वल कैनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा ये भी मैंने अब आपको लेक्चर में फार्मूलाज बताए थे अगर आप शाहबाशाशॉर्मूला है जेन में तो ये फौरन हो जाना चाहिए अब देखें ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कैनेटिक एनर्जी का मैथ के साथ इनवर्स रिलेशन है और मोमेंटम और मैथ का डायरेक्ट रिलेशन है मगर मोमेंटम का के के रूट के साथ तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम और मैथ का ये रिलेशन होता है यहाँ पे हम इनके यूनिट सेम है दोनों के तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है के में जब दो फिजिकल क्वान्टिटीज के यूनिट सेम होते हैं तो आप उनको कन्वर्ट ना करें वही रहने दे क्योंकि हमने अपना टाइम सेव करना होता है तो अब एम वन ग्राम है और एम टू ग्राम है तो वन ओवर नाइन करेंगे बेटा तो वन ओवर नाइन को आप करें तो बेसिकली अब रूट भी तो है ना वन का रूट वन नहीं होता है नाइन का रूट थ्री होता है तो वन बाई थ्री जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम मैथ का ये रिलेशन होता है इसी तरह मैंने आपको दो और भी लिखवाए थे तो वो भी आप लोगों को आई होप के रिकॉल होंगे स्लाइड में से आपने देख लेने तो एम वन हम ऊपर रखेंगे ना क्योंकि आप देखें ना मोमेंटम और मैथ का डायरेक्ट रिलेशन है जो दो चीजें डिवाइड हो रही होती है उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर इधर पी वन है तो इधर एम वन होगा नीचे पी टू है तो सामने एम टू होगा अच्छा बेटा अब इसको करें आप लोग शाबाश शाबाश कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय शाबाश करें इसको नहीं बेटा ध्यान से किया करें आप लोगों को आंसर देखें उसने मिनट्स में नहीं दिए हुए ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल किया करें अभी तक ये हो जाना चाहिए अब

120 वाट आर बता रहे थे क्योंकि उन्होंने यूनिट को नहीं देखा तो इस तरह बेटा ये जरा ध्यान रखा करें अच्छा इसको करें शाबाश जी अब ऐसा वो मैं करता हूँ फिर डिस्कस अभी आप एक दफ़ा चलते जाए आगे पे फोकस रखें आगे पे हाँ ठीक है गुड तो अस वैल्यू ऑफ स्के वेलोसिटी ऑफ अर्थ ये तो अब आप लोगों की बुक लाइन है ठीक है मगर यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं आप लोग किलोमीटर पर आर को न टिक कर दें तो ये इलेवन किलोम, किलोमीटर पर सेकंड है ठीक है तो ये यूनिट में आपने केयरफुल रहना है इसको बेटा करें नहीं नहीं ये आप चेक करो जरा अपनी तरफ से

विच ऑफ़ दॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जी तो देखें सनलाइट हमें पता है कि ये रिन्यूएबल है जिस तरह है, ये सोलर प्लेट्स वगैरह होती हैं हम इनको रिन्यू करते हैं री कर लेते हैं दोबारा से ठीक है नेचुरल गैस नहीं ऑयल भी नहीं इसको करें बेटा हाँ शैन वो मैं फिर बताता हूँ एंड पे भी ठीक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पता है किलो वाट आर गुड इसको करें गुड वेरी गुड ठीक हो गया तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव नहीं है नॉन कंजर्वेटिव है इसको बेटा करें जी नहीं ना वर्टिकली तो नहीं होगा ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस फोर्स का मैंने आपको समझाया था बेटा बड़े ध्यान से तो देखें ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना तो जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो एंगल ग्रेविटी में और आपके डिस्प्लेसमेंट में कितना बनेगा 90 डिग्री तो वर्क के फार्मूले में एफ डी कॉज नाइनटी तो जीरो हो जाएगा तो याद रखें जब ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्क निकालना है आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो एंगल नाइनटी होगा अभी मैंने ये बताया भी था इसको करें बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज पॉइंट फाइव हर्ट्स ऑन अर्थ इट्स फ्रीक्वेंसी इन अ सेटलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये जी नहीं 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 चैप्टर नंबर फाइव में से है सर्कुलर मोशन वाले में बेटा देखें सैटलाइट तो फ्री फॉल होता है ना और वहां पे ग्रेविटी भी नहीं होती ठीक है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें जरा क्या था वन ओवर टू पाई जी ओवर एल रूट तो फ्री फॉल कर रहा है जी तो जीरो होगी तभी तो हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं तो जी की जगह जीरो पुट करें, तो क्या हो जाएगी जीरो जिन बच्चों ने जीरो लगाया वो टिक कर दें ठीक है सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड टू सेकंड हो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वन सेकंड इसको करें बेटा ये बेटा वो फ्री फॉल वाले में शायन जो फ्री फॉल के केसेस है ना जो स्टेशनरी सेटेलाइट वाले उनमें जी बेटा जी आसान है बहुत ज्यादा अब देखे ना वीक्वल टू आर और आपने यूज करना है उसने रेडियस भी बताया हुआ और उसने एंगुलर स्पीड भी बताई हुई है मैगा तो सिंपल आर और मैगा को मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड टेक कर लें जिन बच्चों का ये ठीक है थर्टी सिक्स वाला करें जी एन एलिवेटर इज एक्सलेटेड अपवर्ड तो मैंने बताया था कि अपवर्ड मूव करे तो क्या करना होता है डाउनवर्ड मूव करे तो क्या करना होता है तो आप बेटा देखें अपवर्ड मूव कर रहा है तो आपका रियल वेट से अपरेंट वेट ज्यादा फील होगा जब आप कोई चीज ऊपर लेके जाते हैं तो उसका अपरेंट वेट ज्यादा फील होता है तो W के अंदर M ऐड कर दें यहाँ से आप W को Mg से रिप्लेस करें तो M को कॉमन निकाल लें तो ये उसने आंसर दिया वो बेसिकली थोड़ा सा सॉल्व करके इसको करें एपरेंट वेट टी होता है टेंशन ठीक है इसको करें बेटा शाबाश. अब ये भी बड़ा आसान है नीचे आ रहा था और वो ब्रेक हो गया ज़ाहिर है जब वो ब्रेक होगा तो आगे अब आपको पता है वेरी गुड जब अब ब्रेक होगा तो फ्री फॉल करेगा और फ्री फॉल में मैंने आपको समझाया था कि एपरेंट वेट क्या होता है जीरो वेरी गुड थर्टी एट करें रियल एंड अपरेंट वेट कब इक्वल होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था शाहबाश रियल और अपरेंट वेट कब इक्वल होते हैं जी जब सिस्टम हमारे पास क्या हो नॉन एक्सेलरेटेड जब सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन ना हो ठीक है एक्सेलरेट हो के जब अपवर्ड जाए तो अपरेंट वेट ज्यादा हो जाता है जब डाउनवर्ड आए तो रियल हमारे पास अपरेंट वेट कम होता है रियल वेट से और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो तब रियल और अपरेंट वेट इक्वल होंगे थर्टी नाइन को करें यह भी अब काफ़ी दफ़ा आया है वो फाइव में से था ठीक है हाँ ठीक है तो इस ये एम सी भी बेटा है अच्छा ये बिल्कुल ठीक है इसके आप लोगों ने, ने इस तरह यूनिट्स देखने होते हैं तो वो इंटेल सैट जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो सेटेलाइट्स होते हैं उनकी फ्रीकवेंसीज जिस रेंज में जा रही होती हैं जी बिल्कुल की गार्ड्स इसको करें दो सर्कुलर डिस्क एंड सेम थिकनेस की डायमीटर ए कटवाइस है B से, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है बेटा देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखें तो एम आर स्केयर होता है रेडियस के स्केयर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है बेसिकली रेडियस डायमीटर अब रेडियस का डबल कर दें तो वो डायमीटर ही है तो अगर रेडियस के स्केयर के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है तो डायमीटर के स्केयर के साथ भी डायरेक्ट है अब डायमीटर ए का टवाइस है बी की नस्बत यानी ए का डायमीटर अगर डबल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी की नस्बत फोर टाइम होगा इसको करें बेटा Translational kinetic energy उसने बताई वो पूछ रहा है जिसके भी मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे ठीक हो गया ठीक है गुड अब बेटा देखो डिस्क अगर मैं बताऊं तो ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बीस केयर होती है और रोटेशनल इसकी जो ट्रांसलेशनल का हाफ होती है यानी तो वन बाई फोर एम वी स्केयर ये रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी है डिस्क की तो अब आप देख लो उसने ट्रांसलेशनल नाइन जब बताई होती है इसका हाफ कर दें तो वो इस डिस्क की रोटेशनल एनर्जी है कि अब नाइन का हाफ दो पे डिवाइड करें फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा तो जिन बच्चों ने अल्फा लगाया वो टिक कर लें नाइन फर्दर क्वेश्चन है ठीक है इसको बेटा करें शाबाश शाबाश अब बेटा इसमें देखें मैंने आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला कहा था कि बेसिक ही याद रखें वी स्केर बाईर उसी में से ये ड्राइव हुआ था वी ओमेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोडक्ट भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होती है तो अब ओमेगा में पता है कि ये टू पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है तो इस अगर ओमेगा को टू पाई अपॉन टाइम पीरियड रखें तो बेसिकली टू पाई वी ओवर टाइम पीरियड ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है स्लाइड्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बीटा इसका ऑप्शन है इसको करें एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 180 एट्टी आर पी एम इज ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में जाने का क्या शॉर्टकट होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी अब बेटा इधर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये 180 एटी आर पी एम था तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में करने के लिए डायरेक्ट पाए बाय थर्टी से मल्टीप्लाई कर दें वैसे तो वो एक रेवोल्यूशन में टू पाए होते हैं मिनट में 60 सेकंड टू पाए और 60 करने के बजाय वो कटिंग करके पाए बाय थर्टी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें थर्टी वन को काट के सिक्स आ जाएगा तो यू सिक्स पाए ये करें बेटा फोर्टी वाला शाबाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये थोड़ा सा हार्ड है ठीक है ये थोड़ा सा आप लोगों को इसको सोचना पड़ना है वैसे आसान है ट्राई करें एक दफा फिर मैं समझाता हूँ इसी हम सी क्यूज के बाद फिर हम मीटिंग का मैं लिंक गेन आप लोगों को भेजूंगा ये बेटा ट्राई करें देखते हैं कितने बच्चों से होता है फोर्टी फोर वाला कुछ आंसर आ रहे हैं मगर जो आ रहे हैं वो गलत है हाँ अब तीन चार आंसर ठीक आए वेरी गुड अच्छा बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ अब इधर देखें बेसिकली ये एक, इसका सोलूशन में आप लोग अगर देखें तो ये एक हमारे पास व्हील है इसके ऊपर फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है ठीक हो गया अब ये व्हील इसका रेडियस वन मीटर है इस व्हील का अब ये हाफ रेवोल्यूशन करता है देखो अगर ये पूरी रेवोल्यूशन कर जाता ना व्हील तो फिर तो इसने इस पॉइंट ने नीचे आ जाना था हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है है कि जब ये तो ये 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 हाफ हाफ घूमेगा तो तो पॉइंट इधर 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 से इदर से घूम के इस जगह पे आ जाएगा अब इसकी है। तो ये इसकी रेवोल्यूशन इनिशियल पोजीशन थी मूव करने से पहले और ये इसकी फाइनल पोजीशन है तो इनके दरमियान ये डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए पहले तो टेंजेंशियल डिस्टेंस इसने देख लें कितना कवर किया पाए आर हाफ रेवोल्यूशन में हमें पता है डिस्टेंस पाए आर होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो टू पा आर अभी हाफ रेवोल्यूशन है तो सरकमफेरेंस का हाफ अब बेटा ये ये वाला हमें हमें चाहिए ये इसका भी हमें पता है टू आर, अगर आर का डबल कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल के दरमियान का तो अब आप पाथक और लगा दें आपको बेस भी पता है हाइट भी पता है तो यही मैंने काम किया पाथक थ्योरम लगा दिया बेस का स्केर प्लस परपेंडिकुलर का स्केर आर स्केयर बाहर कॉमन निकल